डाक संभाग छिंदवाड़ा द्वारा हुआ महामेले का आयोजन, प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल आलोक शर्मा ने की शिरकत। जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया विश्व मानव अधिकार दिवस, न्याय सेवा सदन में आयोजित हुई विचार गोष्ठी। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शीघ्र बनेगा अंबेडकर वाचनालय और सामुदायिक भवन, विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने किया भूमि पूजन। और इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट मैदान में जारी है जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता, परासी और दानिंसन महाविद्यालय ने जीते अपने मैच। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय परिसर में आज डाक संभाग छिंदवाड़ा द्वारा महामेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश डाक परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल आलोक शर्मा मुख्य अतिथि थे। भारतीय डाक सेवा के तत्वावधान में आयोजित महामेले के अवसर पर विभाग द्वारा उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए कर्मचारियों को पुरस्कारों से नवाजा गया तथा प्रतिनिधियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हमारे परिमंडल के मुखिया पधारे हुए हैं, इनके कुशल नेतृत्व के कारण हमारा डाक संभाग छिंदवाड़ा और पूरा परिमंडल आज विकास की ओर जा रहा है और उस विकास की कड़ी में हम भी एक छोटे से कड़ी है। आज के दिन हम संभाग की ओर से आश्वस्त करते हैं इनको कि हम आपके साथ कड़ी से कड़ी मिलकर आगे बढ़ेंगे और संभाग के साथ परमंडल कार्यालय के साथ जुड़कर विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी छिंदवाड़ा में जब मैं आया तो मुझे बहुत ही सुंदर ये जगह लगी, बहुत ही हरी भरी हरी साफ सुथरी, बहुत अच्छा शहर है। और यहाँ पर मुझे बताया रेसिडेंट साहब ने कि सफाई में भी यहाँ पे शहर का बहुत काम है, काफ़ी यहाँ पर काम सफाई हो रहा है, लेकिन जो डाकघर में भी यहाँ पर काम हो रहा है वो भी मुझे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिपोर्ट आती है जो हम सेकंड ऑप्शन बैठ के जो मुआयना करते हैं देखते हैं, तो छिंदवाड़ा के काम की वहाँ पर काफ़ी प्रशंसा होती है। अभी आप जो है चिट्ठी तो बांटते ही थे पहले से, अभी भी बांट ही रहे हैं, उसके अलावा जो आधार का काम है वो भी सारे डाकघरों में आ रहा है। ये तय हुआ है कि जितने भी सिंगल हैंडेड ऑफिसर हैं वहाँ पर ऑपरेशन सेंटर होगा आधार का, और जो डबल हैंडेड में होगा मुझे विश्वास नहीं था। तो वहाँ पर बाहर ऊपर ही जहाँ पर हम थे तो वहाँ पर वहाँ के जो आदिवासी उस गाँव में रहते थे तो वो बेच रहे थे अपनी दवाइयाँ जो होती जोरदार तालियों माँ बाप की बुलाई बेटियां ओस की बूंद बेटियां माँ बाप की बुलाई बेटियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज न्याय सेवा सदन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विचार गोष्ठी आयोजित की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एलडी बौरासी, एडीएम आलोक श्रीवास्तव एवं एडिशनल एसपी नीरज सोनी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न विचार गोष्ठी का विषय था महिला अधिकार मानव अधिकार है। रिफ्रेशमेंट का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, बहुत सारे लोगों को देखा है और बहुत बारीकी से देखा है। वहाँ माता पिता को बहुत खुशी होती है, या हम बहू को इशारा करते हैं, बहू अगर नहीं जाती बहू को कहना कब पड़ता है, क्योंकि उस बहू को उसके माता पिता ने ये शिक्षा नहीं दी तो उसको इशारा करना पड़ता है कि बेटा ये तुम्हारी ननद है, घर की बेटी है, इसका आशीर्वाद लो। वहीं दूसरी तरफ हम सोचते हैं कई बार आने वाले सुप्रीम कोर्ट को, कई बार कई केसेस में हाई कोर्ट को भी
छोटी छोटी सी बातों पे महिला अधिकारों के लिए जो है विधि की व्याख्या करना पड़ी है। तो आज यहाँ जितने भी उपस्थित महानुभाव सीनियर और सब हम सब उपस्थित हुए हैं, सबसे मैं यही अपेक्षा करूंगा कि हमारी सोच में हम परिवर्तन लाए। आज भी अगर हम शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आगे जाके इन समस्याओं पे नियंत्रण पा लेंगे और जो ये अंतर जो है महिला और पुरुष का वो हम खत्म कर सकते हैं। श्रीमती संगीता मुसरे तहसील मोकेट सौर्य दल सदस्य, आपने ग्रामोदय के दौरान मोकेट ब्लॉक में आयोजित विभागीय शिविरों में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार में भारत अभियान अंतर्गत खुले में शौच मुक्त ग्राम बनाने के लिए प्रातः भ्रमण किया। श्रीमती सिल्विया आनंद, महिलाओं की घरेलू हिंसा के लिए नारी शक्ति प्रोजेक्ट के नाम से व्हाट्सएप। उत्कृष्ट विद्यालय में आज मानव अधिकार दिवस के अवसर पर जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉ. अमर सिंह ने युवाओं को दिवस विशेष पर सारगर्भित जानकारियां प्रदान की। इस मौके पर शिक्षाविद प्राचार्य एवं शासकीय शाला संघ अध्यक्ष विनोद तिवारी भी मौजूद थे। मैं बताइए, आदमी सबसे ज्यादा विवेकवान बुद्धिशील प्रेरित प्राणी है और इसको विलक्षण बनना है, विलक्षण प्रतिभा का बनना है व्यक्ति को, ठीक है ना। सबके पास ज्ञान है, सब बुद्धिमान है लेकिन विलक्षण नहीं है, ठीक है। आप विलक्षण तब बनेंगे जब जितना आपके पास ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली फिट करके लगा दो, अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में और पूरे देश और कम्युनिटी के हित में लगा दो, वो विलक्षणता कहलाएगी। इस तरह से हम कहां जिंदगी जीते हैं। सबसे बड़ी चीटिंग, सबसे बड़ा देशद्रोह, सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पढ़े लिखे कर रहे हैं। अशिक्षित तो बहुत कम कर रहे हैं, 5-10 रुपया से ज्यादा वो कर ही नहीं सकते है ना, उनके हाथ में ही नहीं है, समझना, उनके हाथ में ही नहीं है। वो तो छोटे लेवल पे ही काम कर पाएंगे, इधर से उधर करें, उधर से इधर करें। ये तो सब पढ़े लिख के लोगों ने देश को कहां पहुंचाना, तो कहां तो विलक्षण है, थोड़ा सा विलक्षण बने हम। इसको परिस्थिति स्थिति देखिए, परिस्थितियां मेरी भी खराब थी, ठीक है, आप भी खराब होंगे, विनोद तिवारी की भी खराब होगी, सबकी खराब है। आदर्श स्थिति इस दुनिया में कुछ भी नहीं। हम ये सोचे, ठीक, हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट ये कहते हैं, जिस दिन तुम्हें एक को नहीं पढ़ाया होता, मुझे तो मालूम है इस दुनिया में रहकर तो मैं परफेक्ट हो नहीं सकता। यहां परफेक्शन है ही नहीं, ये तो सब ऐसे ही शब्द है, ना आदर्श है कुछ, ना परफेक्ट है, ठीक है, सब आधे अधूरे हैं और पूर्णता की ओर सब भाग रहे हैं। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा संचालित PSW के स्टूडेंट के बीच में मानव अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर अमर सिंह साहब उपस्थित हुए और इन्होंने मानव अधिकार के बारे में बताया। सभी स्टूडेंट को बड़े अच्छे तरीके से उनके अधिकार, उनके कर्तव्य और उन्हें क्या बेहतर तरीके से करना चाहिए, इस पर अपना वक्तव्य देकर आज उन्होंने मानव अधिकार दिवस आंदोलन सभी ने मनाया। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आज अंबेडकर वाचनालय एवं सामाजिक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद एवं सभापति विजय पांडे, महामंत्री शिव मालवीय तथा नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी सहित गणमान्य जन मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जय। बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। महापौर नगर निगम से भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश सभाई जी उपस्थित हुए। बहुत
रवि पाटिल जी को ले लेते हैं, सुभद्र पांडे जी को स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं वे सर्वप्रथम महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं आज के करंट ट्रम के हमारे धर्मगुरु बंटी जी, इनको मैं इतनी बार वंदन करती हूँ। आज सुजाता महिला मंडल की हमारी बहने कहीं बैठने के लिए इनको स्थान मिल जाए, इनकी जो चर्चा होती है, इनकी जो बैठक होती है, उसके लिए कोई छोटा सा स्थान इनको मिल जाए, ऐसी मंशा लेके कई महीनों से ये बहने प्रयास रखती। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के क्षेत्र में ये पूरा वीरान पड़ा हुआ था और ये जगह जो थी अनुपयोगी सी प्रतीत हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्थान को बनाया जा सकता है। मैंने महापौर जी से चर्चा की, आदरणीय विधायक जी से चर्चा के बाद ऐसा लगा कि एक अच्छा काम हम सबके हाथों से होगा, इस उद्देश्य से इस स्थान का चयन किया गया। उपस्थित सभी भाइयों बहनों और एवं प्यारे बच्चे, सभी युवा साथी, आपकी जो मांग थी भवन बनने की, हमारे विधायक जी की सहयोग से आज यह भवन का भूमि पूजन किया गया है। ऐसे ही हमारे विधायक जी हमेशा सभी क्षेत्र में सहयोग करते रहते हैं और ऐसे ही मैं आप सभी से भी आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस भवन के लिए सभी लोग सहयोग करें कि जल्द से जल्द आपका भी भवन बनके तैयार हो जाएगा, सभी का सहयोग रहेगा। तो ऐसी मैं आशा करती हूँ आप सभी से और सभी से ये विनती करती हूँ कि हमारे विधायक जी का सभी लोग सहयोग करें, हमारे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। जय हिंद। और 1,00,000 रुपया विधायक निधि से पुस्तक खरीदने के लिए मैं फिक्र करता हूँ, क्योंकि वास्तव में दुनिया में पुस्तक से अच्छा कोई मित्र आपका भी हो सकता, पति पत्नी भी झगड़ा हो जाएगा, बाप बेटे भी झगड़ा हो जाएगा, भाई पर जो पुस्तक से प्रेम करेगा पुस्तक कभी उसको त्रास नहीं देगी, पुस्तक अगर पढ़ेगा तो जीवन में कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। और इसलिए अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छी बात पढ़ना ये अति आवश्यक है। मैं हम सब यहाँ पर बैठे हम सब डॉक्टर साहब की बात करते हैं, भारत में डॉक्टर साहब महामानव, हमारे यहाँ राम पैदा हुए तो ईश्वर के रूप में पैदा नहीं हुए, कैसे पैदा हुए तो ईश्वर के रूप में पैदा नहीं हुए, बुद्ध अगर पैदा हुए तो ईश्वर के रूप में पैदा नहीं हुए, सब महामानव के रूप में पैदा हुए, क्योंकि भगवान ने कहा ज्यादा ज्यादा धर्म से मैं भविष्य आ रहा है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं मनुष्य रूप में आऊंगा और इस संसार का मैं कल्याण करूंगा। हमारा देश बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, और इसलिए हिंदू समाज को अनादि काल से तोड़ने की बात कहीं ना कहीं की जाती है। मैं पिछले बार कार्यक्रम में आया था, वहां से चल रहा था आंगनबाड़ी, भगवान राम पैदा राम राम जी को गरीब कर दिए, कृष्ण जी को गरीब कर दीजिए, महावीर स्वामी को गरीब दीजिए, भगवान बुद्ध का कुछ भी करे, मगर हम व्यक्ति नहीं छोड़ेंगे, अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। और इसमें बाबा साहब के पूरे जीवन को आप बचपन से लेकर आप उनका जीवन देखेंगे तो सारा जीवन उन्होंने समाज के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब चाहते हमारा पति हो जाते, बड़ी बड़ी उनकी संतान। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था रोटरी क्लब द्वारा आज जिला जेल में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैदी भाइयों एवं बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श प्रदान किया गया। हाँ हाँ
पहले सामने नहीं उठना, पहले करवट लेना, करवट लेके उठोगे और कमर के बल उठोगे। पड़े मोहम्मद, मोहम्मद इकबाल, आपके पापा जी का नाम मोहम्मद सिद्दीक। मदद तो जाता है, अगर यहाँ छोड़ने के लिए जाए तो इस करवट नहीं होगी। एक अंदर का दांत वाला असामाजिक तत्वों पर नकेल कसते हुए आपराधिक गतिविधियों को रोकने पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देशानुसार पुलिस ने गश्त बढ़ाई है। 9 दिसंबर की शाम और देर रात तक सीएसपी शिवेश सिंह तथा टीआई सिटी सुमेर सिंह जगेत ने दलबल सहित शहर में पैदल गश्त की। यहाँ पे खड़े नहीं होने देना शिवराज गाड़ियाँ, यहाँ पे खड़ी नहीं होगी, बता देना उसको। पूरा अपराध यही पे कर रहा है, चूहा खेलेंगे, सपना खेलेंगे सब। क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? अरे क्या कर रहे हो? माला है, ये लोग क्या कर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। पिछले दिनों में लाल गुलाबरा में एक हत्या की घटना भी हुई है, जो आवारा तत्व जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हैं, घूमते फिरते हैं, बगैर नंबर गाड़ियों से घूमते हैं ऐसे, और जो बाहरी लोग जो हैं जो चोरी की घटनाएँ घटित करते हैं, ऐसे लोगों की चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। और अभी जो हत्या का प्रकरण हुआ है उसमें आरोपी द्वारा अवैध कट्टे का भी प्रयोग किया गया है, जो जिससे सिद्ध होता है कि लोग अवैध कट्टा लेकर शहर में घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों की धरपकड़
के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जो शहर के प्रमुख चिन्हित स्थानों पर ऐसे लोगों की जाँच की जा रही है और जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सप्ताह को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक, आप देखते रहिए सिटी हलचल। संतोष कैटर, यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। 23 दिसंबर से लगने जा रहे डेढ़ दिवसीय शीतकालीन शिविर के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंजीयन कार्य प्रारंभ है। मात्र 100 रुपए की राशि जमा कर पंजीयन कराया जा सकता है। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक यह शिविर संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर में लगाया जाएगा। वही देखो काका, हमें तो मदद करो। ये 23 दिसंबर से लेकर 25 तारीख तक शाम को 7 बजे से 25 तारीख को 4 बजे संकट मोचन मंदिर में आपको बोलने बिछाने का पूरा सामान लेके आना है। कहाँ पर है? आज महाकाल बस्ती के अन्य स्वयंसेवक मिलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 23 तारीख से 25 तारीख तक का डेढ़ दिवसीय जो शीत शिविर लगने वाला है उसका पंजीयन आज महाकाल बस्ती में कर रहे हैं। इस पंजीयन के अंतर्गत 15 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस शिविर में भाग ले सकता है। इस शिविर में प्रातः उठना एवं राष्ट्रभक्ति एवं बुद्धिजीवियों का उद्बोधन प्राप्त होगा और इसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से भाग ले सकता है। इसमें भाग लेने के लिए पंजीयन कराया जा रहा है जिसका पंजीयन शुल्क 100 रुपये है और महाकाल बस्ती में ये पंजीयन लगातार पिछले 3 दिनों से चल रहा है जिसमें हम सभी स्वयंसेवक लगातार लोगों का पंजीयन कर रहे हैं एवं युवा और अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं वे भी बहुत उत्साह के साथ इसमें पंजीयन करा रहे हैं जिसमें 23 तारीख को ये संकट मोचन छिंदवाड़ा में ये शिविर लगेगा जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या में पंजीयत लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अध्यापक महासंघ छिंदवाड़ा इकाई द्वारा शिक्षा विभाग में संविलियन की अपनी एक सूत्री मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। संगठन द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। शिक्षा विभाग में संविलियन करो, संविलियन करो, संविलियन करो, शिक्षा विभाग में संविलियन करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अध्यापक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सम्मिलन करो, सम्मिलन करो, शिक्षा विभाग में सम्मिलन करो, सम्मिलन करो, सम्मिलन ही मांगे पूरी करो, पूरी करो, हम अपना अधिकार मांगते नहीं का पूरा जितने भी संगठन थे सबको एक मिला के महासंघ बनाया। महासंघ के बैनर के तहत अध्यापकों की जो न्यायोचित मांग है कि शिक्षा विभाग में
अध्यापक महासंघ के क्रांति आह्वान पर मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले में अध्यापकों की प्रमुख मांग शिक्षा विभाग में संविलियन को लेकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश के सारे जिलों से ज्ञापन दिया गया। हमारी प्रमुख मांग है शिक्षा विभाग में संविलियन। हमारी इस मांग को लेकर हम पूरे प्रदेश के अध्यापक 17 तारीख को भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में एक सम्मेलन आयोजित है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। संघ की ओर से ये प्रयास है कि हमारी जो प्रमुख मांग है शिक्षा विभाग में संविलियन, उसका शीघ्र अति शीघ्र निराकरण हो और हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन हो। 10 फरवरी से दशहरा मैदान में श्रीराम कथा प्रवचनों के आयोजन की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। राष्ट्रीय संत साध्वी रितंभरा द्वारा 10 फरवरी से दशहरा मैदान में प्रारंभ होने जा रहे श्रीराम कथा के आयोजन और व्यवस्थाओं के सिलसिले में 9 दिसंबर की शाम श्रीराम मंदिर में बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयोजन मंडल के संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित धार्मिक संगठनों के सदस्य युवा प्रतिनिधि मौजूद थे। बाजार से मटेरियल लेकर के आते हैं पर देखिए वो पक्षी भी अपना घरौंदा बना लेता है, कहाँ अंडे देने हैं, कहाँ झरोके से झांकना है, कौन से घास के तिनके से उसका घोंसले का निर्माण होगा, यानी कि आर्किटेक्ट भी वो खुद है, इंजीनियर भी वो खुद है, मटेरियल भी वो खुद कलेक्ट कर रहा है और लेबर का काम भी पक्षी स्वयं कर रहा है। बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, पेड़ को जड़ से उखाड़ देती हैं, पर बया पक्षी के घोंसले पक्षी बना लेते हैं, खाने का काम पशु पक्षी कर लेते हैं। आप किसी भी पशु को छोड़ दीजिए, 4-5 जगह मुंह मार के पेड़ तो वो भी भर लेता है। संतान उत्पत्ति की बात आती है तो पशुओं की भी संतानें हो जाती हैं। आप लोग कहते हो जी हम बड़ा सुंदर गाते हैं, तो हमने कहा कभी किसी कोयल को गाते हुए देख लेना, अच्छा गाने का अहंकार टूट जाएगा। आप कहोगे जी हम बहुत सुंदर नाच लेते हैं, तो हमने कहा हम जगत को दिखाने के लिए नाचते हैं, भगवान के लिए तो कोई बिरला ही नाचता है। मैंने कहा कभी मोर को नाचते हुए देख लेना, तो वो अच्छा नाचने वाला अहंकार भी दूर हो जाएगा। मोर तब नाचता है जब प्रभु की प्रकृति प्रसन्न होती है और प्रकृति को प्रसन्न देख करके मयूर नृत्य करता है। आप कहोगे जी हम बहुत सुंदर देखते हैं, तो हम कहते हैं कि घर के कपड़े कुछ अलग होते हैं, बाहर के कुछ अलग होते हैं, शीशे में 50 बार देखते हैं कि लग कैसे रहे। मैंने कहा गिरगिट को देख लो बिना कपड़े बदले 3 बार रंग बदल लेता है। सोना घूमना वो तो अन्य योनियों में भी संभव है, लेकिन ये मनुष्य को हमने महान क्यों कहा, मनुष्य को देवता से भी, जन्म को देवताओं से भी दुर्लभ क्यों कहा? क्योंकि बंधुओं जिस राम और कृष्ण की हम बात करते हैं, जिस ब्रह्म की हम बात करते हैं, वो ब्रह्म तब तक ही है जब तक मनुष्य है। मनुष्य को हटा दीजिए तो फिर कोई भगवान की सत्ता होगी नहीं, उसकी चर्चा कोई कर नहीं सकता, केवल ये मनुष्य को ही संभव है। अब हमने इतनी बड़ी ये यात्रा करके हम मनुष्य बने, तो क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? क्या हम अपने अंतर की यात्रा प्रारंभ नहीं करेंगे? पूज्य दीदी माँ की सन्निधि में रहकर के ध्यान की गहराइयों में उतरने का अवसर मिला। आपको आश्चर्य होगा हमारे जो भीतर की यात्रा है 7 चक्रों की, उन यात्राओं उन चक्रों के विषय में ये 125 करोड़ देशवासियों का ये देश है, मुश्किल से गिनती की जाए तो 2-5-10-15 लाख से अधिक लोगों ने कभी भीतर की यात्रा नहीं की होगी। मधुवन कॉलोनी स्थित वेदांत स्कूल में कल 9 दिसंबर को वार्षिकोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। Yeah.
विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री शिरडी साई मंदिर में स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत 17 दिसंबर को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। तैयारियों के लिए सच्चिदानंद सेवा समिति की बैठक आज संपन्न हुई। इसमें आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इसलिए करनी पड़ेगी कि अगर अपन इंडिविजुअल लोगों को जैसे आज अपन जो बैठक में अटेंशन देके मान लो इनको जोसा भाई कुछ कागज दे दिया बुलाए आ गए है ना। लूट वाले तो रहते हैं पर लूट वाले यात्रा भी नहीं चलते। उनका पूरा फोकस रहता है कि वो स्वागत कैसे अच्छे से अच्छा करें। अब हमको ऐसे लोग जैसे भाई एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि वो हमारे महुआ कल जी को नहीं आ पाते व्यस्त रहता है लेकिन इस बार संडे आ जाए तो अपन कम से कम अपने आसपास के गांवों में लेकिन आपको व्यक्ति की जवाबदारी यात्रा है धन्यवाद तो है आप सब सब परिवार बना रहे कुर्ते पैजामे में पुरुष महिलाएं हैं चला भी जाए बहुत व्यवस्थित जाके तैयार हो जाए आप उसको व्यवस्थित तैयार करा उसको जो भी सजाना सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा श्री शिरडी साईं बाबा के स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत निकाले जाने वाली शोभा यात्रा आगामी इतवार दिनांक 17 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से श्री शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी से आरंभ होकर के श्री शिरडी साईं मंदिर छोटी बाजार तक जाएगी।
सच्चिदानंद सेवा समिति सभी साईं भक्तों से ये करबद्ध आग्रह करती है कि इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। पुरुषों के लिए पैजामा कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी में आना ऐसा सुनिश्चित किया गया है। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि इस शोभा यात्रा में, चूंकि छुट्टी का दिन है, अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं। जय साई राम। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन छिंदवाड़ा इकाई द्वारा आज सभा का आयोजन कर संगठन में प्रांताध्यक्ष रहे स्वर्गीय सुदेश यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज की बैठक का प्रमुख एजेंडा, जैसा कि 12 नवंबर 2017 को मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष सुरेश यादव जी का लंबी बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया था, उसी के सिलसिले में आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के लिए विशेष रूप से आज इस मासिक बैठक में उनके श्रद्धांजलि का आयोजन रखा गया है। पेंशनरों की रक्षा के लिए, पेंशनरों की मांगों के लिए शासन के खिलाफ आंदोलन करके, सत्ता के खिलाफ आंदोलन करके पेंशनरों के हितों की सतत रक्षा करते रहे और जीवन, जिससे कि हमारे पेंशनरों की भी रक्षा हो सके। उनका एक उद्देश्य था कि हम इस पेंशनर एसोसिएशन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाए और उन्होंने इसका राष्ट्रीय। इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट मैदान में जारी जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट स्पर्धा के अंतर्गत आज पीवीएस परासिया ने पांडुर्णा को और डीडीसी ने सौंसर महाविद्यालय की टीम को पराजित कर अपने मैचेस जीते। और यहाँ एक कप्तान पांडुर्णा का बहुत शानदार बॉल विकास की और सीधा ओल। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। डाक संभाग छिंदवाड़ा द्वारा हुआ महामेले का आयोजन, प्रदेश के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल आलोक शर्मा ने की शिरकत।
जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया विश्व मानव अधिकार दिवस। न्याय सेवा सदन में आयोजित हुई विचार गोष्ठी। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शीघ्र बनेगा अंबेडकर वाचनालय और सामुदायिक भवन। विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह ने किया भूमि पूजन। और इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट मैदान में जारी है जिलास्तरीय अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता। परासी और दानिंदसन महाविद्यालय ने जीते अपने मैच। इस बुलेटिन में खबरों का सफानामा फिलहाल यहीं तक था। आप सुनी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मैं नीति जैन होती, नमस्कार।